हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के एस सर। बी टेक आई टी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड। सही है, बट क्यों नहीं वैलिड है? बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डिस्कस भी हुआ है, और एक बच्चे ने मेरे ग्रुप में, 12th के ग्रुप में, क्वेश्चन पूछ डाला कि सर ये वैलिड क्यों नहीं। पर ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें एक लाइन लिखा है, देखो ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा, ये ग्रिफिथ का 8.3 फिगर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड, ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैकेनिक्स में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में लिखा हुआ है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड। उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर एक एग्जाम्पल है, उसका एक्सप्लेनेशन है, तो मैं उसी चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्यों नहीं वैलिड है, और अगर नहीं वैलिड है तो फिर क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। पूरा पिक्चर मैं इसके थ्रू क्लियर कर दूंगा कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और तुम्हें पता भी है मेरा काम भी यही है क्लियर करना। तो ग्रिफिथ की लाइन है, देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू इज इक्वल बट नॉट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ क्यू टू एंड क्यू वन इन वायलेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक द थर्ड लॉ होल्ड, बट इन इलेक्ट्रोडायनामिक इट डज नॉट। द क्वेश्चन लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर थर्ड लॉ वैलिड है, बट जब डायनामिक की बात आती है तो वाई इट इज नॉट वैलिड। जब मौसम शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त वैलिड क्यों नहीं हो रहा? अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर रखूंगा सामने आपके, फिर बातों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, एकदम शांत होकर सुनोगे तो बात समझ में आएगी। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मतलब ठीक है, इसको बोलोगे इंटरेस्टिंग पार्ट। और जो ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये बोल सकते हो कि कभी ना कभी कंप्रिहेंशन में आना चाहिए ये एडवांस, कि इंटरेस्टिंग है तो जे एडवांस में कंप्रिहेंशन के पार्ट ना बहुत बार ऐसे आते हैं, आना चाहिए। आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो एग्जांपल है, सपोज करो, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिन्होंने लिया है। देखो क्यू टू क्यू वन कोई नया नहीं, एक चीज सेम, ये स्पीड भी वन स्पीड भी टू, ताकि तुम्हें बाद में ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तुम्हें कैसे ढूंढ सकते इसको पता है? ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाके उसके सर्च में डालना न्यूटन थर्ड लॉ, आपको ये डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। बट इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो ये चार स्लिट क्यू टू एंड ये चार स्लिट क्यू वन, ये इधर जा रहा है वी वन के स्पीड से और इधर आ रहा है वी टू के स्पीड से, वी टू के स्पीड से आ रहा है, ये इधर आ रहा है वी वन के स्पीड से, इधर आ रहा है वी टू के स्पीड से। देखो जैसा कि उन्होंने लिखा है वी टू वी वन, अगर इवन कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना जरूर मुझको। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, भाई इस चार पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब वर्ड हटा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस चार्ज पार्टिकल का, अगर यहाँ पे तुम अब फील्ड दिखाते हो, दैट इज के की वन बाई आर का स्क्वायर, एंड दिस इज रॉन्ग, गलत है। ये इसका फील्ड यहाँ पे के की वन बाई आर स्क्वायर तभी लिखोगे जब दिस चार्ज पार्टिकल इज अंडर रेस्ट, तभी जाके यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर सकता है, बट गड़बड़ है, नहीं लिख सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हो, बट उसका डायरेक्शन वही है, वो चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो, ये सही है। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है किसी टाइम पे यहाँ पे और वो भाग रहा है, तो कोई पूछे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप कहोगे सर ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे ही बनेंगे, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेम रहेगा चाहे ये मूव करे या रेस्ट रहे। हाँ, अगर रेस्ट में है तो इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, बट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये मूव कर रहा होगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते हो, दैट विल बी चेंज बिकॉज ऑफ इसकी वेलोसिटी
एक्स्ट्रा चीजें इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है? ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन तो वही है ना। दैट मीन्स ये Q1 इस Q2 के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स QE। इसके ऊपर भी ये उतना ही फोर्स लगाएगा F बराबर QE, बट वो अलग बात है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही है, ये तो यही रहेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको इसके वजह से यहाँ पे जानना होगा फील्ड के डायरेक्शन की तरह, फील्ड के डायरेक्शन के, फील्ड डायरेक्शन की तरह इधर। तो देखो अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, इस वाले पॉइंट को घेरोगे, ऐसे जब ऐसे घेरोगे इस पॉइंट से, जब ऐसे घेरोगे ऐसे, फील्ड आएगा अंदर की ओर। अगर फील्ड अंदर की ओर है तो क्यू भी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू भी क्रॉस बी। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर यहाँ पे, और इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर इसको ऐसे घेरोगे, ऐसे ऐसे घेरो, मेरी तरफ आ रहा है, दैट इज डॉट, ये डॉट बन रहा है, और इसकी वजह से ये ऐसे घेर रहा है, क्रॉस कर रहा है। फोर्थ क्लास में देखो क्यू भी क्रॉस बी, तो भी क्रॉस बी आ गया इधर, दैट मीन्स Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, दैट इज Fm। हाँ, इस चार्ज पार्ट की वजह से इस पे फोर्स Fm मैंने दिखा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो किधर आएगा, तो ये V1 है, Q भी क्रॉस B, भी इधर है, अब भी मेरे तरफ है, मेरे तरफ Q भी क्रॉस B, हम अगेन ऊपर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा। तो Fm Fm सेम है, Fe Fe सेम है, वो अलग बात है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ Fe को, ठीक है, बट ये यही चीज है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, बाकी स्पेस में कुछ भी नहीं है, मतलब सिस्टम इज आइसोलेटेड, द वर्ड इज आइसोलेटेड, द सिस्टम इज आइसोलेटेड। एक आइसोलेटेड सिस्टम खासियत होती है कि उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की खासियत है कि उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, कंजर्व है। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करते हैं, जब हम इस सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करेंगे, सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करेंगे, देखो ये Fe इस Fe से कट गया, बट Fm Fm तो कटा नहीं, तो इस सिस्टम पे ये Fe Fe कट गया बट Fm पर नहीं कटा, दैट मीन्स इस सिस्टम पे नेट फोर्स आ गया किस डायरेक्शन में, इस Fm के रिजल्टेंट के डायरेक्शन, दैट मीन्स वो इधर आ गया। एक और चीज, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस वेक्टर का समय, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इस वेक्टर का समय, बट सिस्टम पे नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ, दैट मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल नहीं हुए, वो तो ऐसे ही दिख रहा है भाई कि इस फोर्स का सम और इस फोर्स का सम अपोजिट नहीं आएगा, ये Fe Fe कट जाएगा बट ये कैंसिल आउट नहीं होगा, दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी फिलहाल यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, अगर एक्शन रिएक्शन पेयर बराबर नहीं हो रहे हैं, तो एक रूल है, दैट इज द फंडामेंटल रूल, याद करना, दिस इज द फंडामेंटल रूल, कि इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई भी इंटरेक्शन इसका नहीं है, एक सिस्टम तुम्हारे पास है उसमें चाहे दो पार्टिकल हो या तीन हो या एक हो या दस हो, अगर बाहर से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। द फंडामेंटल रूल इज आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, कंजर्व। बट यहां पे जब तुम बात कर रहे हो कि नेट फोर्स जीरो हो गया, नहीं हुआ,
दैट मीन्स मोमेंटम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा भाई। जिधर फोर्स आ रहा है द टाइम ये बता रहा है कि उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होना चाहिए, मतलब उस डायरेक्शन में इंक्रीज करना चाहिए। जिधर फोर्स आ रहा है उधर मोमेंटम इंक्रीज करना चाहिए। द क्वेश्चन इज दिस कि अगर इस सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अगर इस तरह मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व तो नहीं हो पाया। तो दो बात पे क्लियर समझ आ गई, एक कि न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं हुआ, दूसरी चीज सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट फैक्ट है कि मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए। एक वर्ड है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज मोर फंडामेंटल, या मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज द मोर फंडामेंटल। द फंडामेंटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्व, ये मोर फंडामेंटल है। द वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दिस इज द फंडामेंटल लॉ। अगर ये फंडामेंटल है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सही है, यूज कर रहा हूं, दिस इज द फंडामेंटल लॉज, ये आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो यहां पे भी चूंकि ये ही दो पार्टिकल है इस सिस्टम में, बाकी कुछ नहीं है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। बट इस सिस्टम पे फोर्स ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उधर फोर्स आ रहा है। दैट मीन्स किसी इसी के जस्ट अपोजिट मोमेंटम डिक्रीज करना चाहिए, ताकि जितना डिक्रीज करे उतना इंक्रीज किया सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो अब मेरा दिमाग इस पे काम कर रहा है कि मोमेंटम जो है अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज किसका कर रहा है। चलिए अभी तक मैंने एक बात तो क्लियर बोल दी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये बता सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड। द मेन इंपॉर्टेंट हियर इज नॉट वैलिड। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख सकते हो, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व एंड दिस इज द फंडामेंटल लॉज। एंड थर्ड, द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज मोर फंडामेंटल देन न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब ये बोलना कि एफ नेट सिस्टम भी जीरो है तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, ये नहीं है। और इस एफ नेट मोमेंटम ये गलत वर्ड है। अभी एक बात करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। इसमें दो तरह का मोमेंटम है, द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, दो पॉइंट में बोला हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड। सेकेंड लाइन, यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या था कि सिस्टम का मोमेंटम विल कंजर्व, आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व, दिस इज द फंडामेंटल लॉज। ठीक है ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ इज तो फंडामेंटल नहीं हुआ है ना, भाई फंडामेंटल होगा जो गलत ही ना हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम विल बी कंजर्व, इट इज द फंडामेंटल, वो सही होना है। अब वो कैसे होना है अभी मैं बताता हूँ। बट ये फैक्ट हुआ कि न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट मोर फंडामेंटल। तो जहां पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में वहां पे तो वैलिड है, लेकिन जहां पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में नहीं होंगे, मूव कर रहे होंगे, वहां पे क्वाइट पॉसिबल है कि फेल हो जाए, तो फंडामेंटल नहीं बना। ठीक है, अब जस्ट पॉज करो, फाइनली अब एक ही करके सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम थोड़ा अब डेप्थ में जाने जा रहे हैं, अब डेप्थ में जा रहे हैं। इसलिए अभी हम कुछ माइल स्टोन सेट कर लें। द फर्स्ट माइल स्टोन इज, जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट अ नॉट अ फंडामेंटल लॉस। हेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज वैलिड, बट इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन सम केसेस इट विल बी फेल। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, द इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड मोमेंट लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट कंजर्व एंड दिस इज द फंडामेंटल लॉस। बस दो माइल स्टोन साइड में रख लो, हर चीज उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। अब आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं बातों को समझाने के लिए तुम्हें आगे बढ़ रहा हूं, सुनना। जो मोमेंटम होता है, द टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, एक होता है मोमेंटम मैकेनिकल एंड दूसरा होता है मोमेंटम ऑफ स्पेस, जिसको ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम, मतलब स्पेस का मोमेंटम। ये दो मोमेंटम होते हैं। ठीक है, एक टर्म्स और आता है इसमें, एक वर्ड आता है द हिडन मोमेंटम, बट वो उसको अभी तुम्हें जाननी जरूरत नहीं है। हालांकि हिडन मोमेंटम इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट को बोल देते हैं हिडन मोमेंटम, और उसको भी अलग लिख लेते हैं, बट साइड करो उसको, एक साथ मान, इसी के अंदर पड़ा हुआ है, वो भी इसी के अंदर है। तो किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम इज फर्स्ट मैकेनिकल मोमेंटम एंड सेकेंड ईएम
वेव का मोमेंटम, जो वेव ट्रेवल कर रही है स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम। अच्छा ये मैकेनिकल मोमेंटम जो है ना, बेसिकली इस पार्टिकल पर फोर्स दिखाया, इस पार्टिकल पर फोर्स दिखाया, ये सारे फोर्सेस इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स हैं, स्पेस में नहीं। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है एफ ई एफ एम, और इस पे जो लग रहा है एफ ई एफ एम, वो इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स हैं। दैट मीन्स ये जो फोर्स है वो इस पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करेगा, चेंज करेगा। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फोर्स इस पे लग रहा है, ये दोनों फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है, दोनों पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स ये फोर्सेस हैं। दैट मीन्स ये जो एफ नेट आ रहा है, दिस इज द कॉज टू चेंज द मैकेनिकल मोमेंटम। पार्टिकल मैकेनिकल वर्ड्स में आते हैं, तो मैकेनिकल मोमेंटम को चेंज कर रहा है। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि इस डायरेक्शन में मैकेनिकल मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। एफ नेट इधर है ना, एफ नेट इधर है, इधर फोर्स आएगा, उधर मोमेंटम चेंज करेगा, उधर मोमेंटम इंक्रीज करेगा। डिफॉल्ट केस में इंक्रीज बोलते हो, तो इधर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है द फर्स्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इधर फोर्स लगा उधर मोमेंटम इंक्रीज करेगा होता ही है। अभी तुमने एक ये फंडामेंटल है, ये जो लाइन तुमने लिखा है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मैकेनिकल प्लस ईएम वेव का मोमेंटम, दैट मीन्स अगर ये मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इस मोमेंटम को डिक्रीज करना चाहिए, सो दैट दिस द टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम इज शुड बी कंजर्व बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल लॉज। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उस फंडामेंटल लॉज जो एक माइलस्टोन था मेरे लिए, माइलस्टोन था, उसके सहायता से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर मैकेनिकल मोमेंटम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जो ईएम वेव का मोमेंटम होना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए, या यू कैन से दैट द ईएम वेव का मोमेंटम इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना चाहिए, अब मैकेनिकल मोमेंटम इधर इंक्रीज करे, वेक्टर सम कैंसिल आउट। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये एफ नेट इस पार्टिकल पे इधर लग रहा है, तो इधर अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है मैकेनिकल, दैट मीन्स ईएम वेव का मोमेंटम उल्टा इंक्रीज करना चाहिए, या मैं यू कहूँ तो ईएम वेव का मोमेंटम इस डायरेक्शन में डिक्रीज करना चाहिए। बात एक ही है कि अगर ये मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडरलाइन उसमें ये उस डायरेक्शन में डिक्रीज करना चाहिए। गुड, पकड़ लिया पॉइंट। अब मैं धीरे धीरे बात समझ में, अरे यार ये तो मैकेनिकल मोमेंटम वही है जो तुम बात करते हो एम इनटू बी। नाउ आम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ईएम वेव का मोमेंटम क्या होता है, द ईएम वेव मोमेंटम इज, अच्छा अगर ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैकेनिकल मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, तो ईएम वेव मोमेंटम इधर क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट नेट मोमेंटम विल कंजर्व। बस ईएम वेव की समझना पड़ेगा मुझे, ईएम वेव का मोमेंटम क्या होता है, ईएम वेव का जो मोमेंटम है, इसके पहले मैं एक वर्ड यूज कर दूं, ईएम वेव का मोमेंटम की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ ईएम वेव मोमेंटम and that is written as QEM, and this value is equal to epsilon naught into S vector. ये density है, where S vector is the pointing vector, epsilon naught is the usual term जो आप use करते हैं, ये density है। अब कोई पूछे कि net momentum ये कितना आएगा, तो इस net momentum के लिए आपको क्या करना होगा, इस value को integrate करना होगा over all volume, पूरे वॉल्यूम स्पेस में जितना वॉल्यूम है उस पर अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दोगे, और ये ईएम वेव का मोमेंटम की डेंसिटी है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। थोड़ा सा बात करेंगे एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर, एंड द पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट μ0 e क्रॉस b, और ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है क्या, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है बेसिकली ये एनर्जी के, इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेट बताता है,
बाई ई एम वेव. पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट मतलब मॉड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ. तुमको समझ में आ ही गया होगा ये बात, ई क्रॉस बी ये तो ईएमवे में पढ़ते ही हो. पॉइंटिंग वेक्टर जो है बेसिकली किस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर. उसको मैंने यहाँ पे रखा है अभी वैल्यू. अब थोड़ा बातें पढ़ते हैं, समझते हैं बातों को. एक बात बताना, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि ये देखना, अगर एस वेक्टर को मैं यहाँ रख दूँ तो दैट मीन्स ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम उसका डायरेक्शन, जो स्पेस का मोमेंटम है उसका डायरेक्शन और पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन एकदम सेम है. सेम है, ठीक है. डेंसिटी, मोमेंटम की डेंसिटी पॉइंट वेक्टर सेम है. दैट मीन्स जो मोमेंटम है स्पेस का वो डायरेक्शन है ई क्रॉस पी. मोमेंटम स्पेस मोमेंटम मतलब फील्ड मोमेंटम, पी ई एम का मोमेंटम का डायरेक्शन ई क्रॉस पी है. चलो अब यहाँ बात करते हो किधर आए. एक काम करते हैं, मुझे बताओ एक क्या क्या समझते हैं, इस चार्ज पार्टिकल किधर है, इस चार्ज पार्टिकल किधर है, ये समझेंगे. मुझे ये बताओ, लेट्स ये नहीं होता, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो कि नीचे को ऐसे आ रहा है, नीचे को ऐसे आ रहा है. तो ऐसे आ रहा है तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर होगा, अबे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होगा भाई, ई क्रॉस बी जानना है ना, उसी डायरेक्शन में तो स्पेस मोमेंटम होगा. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसके इधर घुमाओ ऐसे. तो किस, ये तो समझ में आता, देखो ना इस पे निकाल लो, रुको, इसका ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे जब ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा तो फिंगर को फंसाओ, अंदर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड. अब बताओ ये ई का डायरेक्शन, ई क्रॉस बी किधर आएगा, ये इधर है बी नीचे, ई क्रॉस बी नीचे करोगे, नीचे, दैट मीन्स ई क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब स्पेस मोमेंटम इस डायरेक्शन में. तो इस चार्ज पार्टिकल का स्पेस मोमेंटम इधर, इसका भी स्पेस मोमेंटम इधर, ठीक है, इधर दिख रहा है. कोई पूछे कि सर बताइए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा दो ऐसे, और क्रॉस से तो रिप्रेजेंट होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर है, मेरा माउस ओके, अभी काम कर रही है. तो कभी कभी ना माउस की दिक्कत हो जाती है. आज देखो आज की क्लास में नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है. तो यहाँ पे जो बना ना ई क्रॉस बी, ई इधर बी इधर, दैट इज परपेंडिकुलर, ये ऐसे बनेगा. हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, बट ऐसे होगी. मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे भाग रहा है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस मोमेंटम ऐसे होगा, यहाँ पे स्पेस मोमेंटम ऐसे होगा, ठीक है. यहाँ पे जितना तुम पास आओगे मोमेंटम कर्व बनाते जाएगा ऐसा, ये स्पेस मोमेंटम है, स्पेस मोमेंटम. अब एक काम करते हैं, ठीक है. अब इसमें एक किस तुम्हें समझ में आ गया कि अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका स्पेस मोमेंटम ऐसे आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, इसका इस वाले पॉइंट पे इसका स्पेस मोमेंटम ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे स्पेस मोमेंटम ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे स्पेस मोमेंटम इधर आएगा. अब थोड़ा ना इधर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर, हालांकि चार्जेस सेम नहीं है अदरवाइज तो और बात समझ में आ जाती, तो ठीक है. मतलब कुछ ये देखो तो इसका स्पेस मोमेंटम और ये वाला स्पेस मोमेंटम, इसका रिजल्टेंट ना कायदे देखो कुछ ऐसे आ रहा है ऐसे. और पता है इस पूरे स्पेस का, अगर मैं इस पूरे स्पेस का स्पेस मोमेंटम निकालो तो उसका जो चेंज आना चाहिए वो हर हाल में इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि ये जो मैकेनिकल फोर्स जो लग रहा है एफ नेट, वो इधर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, इधर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है. और ये दोनों पार्टिकल जितना पास में आ रहे होंगे ना, इस डायरेक्शन में स्पेस मोमेंटम उतना ही इंक्रीज कर रहा होगा.
ई और बी की वैल्यू ऐसे हो रही होगी कि ई क्रॉस बी एक तरह से इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब ये जो इक्वेशन है स्पेस मोमेंटम के लिए, दिस वन इज एस वेक्टर डी बी, तो डी बी तो एक तरह से पूरे स्पेस में है, एस वेक्टर क्या है ई क्रॉस बी है, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही होगी, मतलब कुल ऐसा मतलब ऐसा हो रहा होगा स्पेस में कि इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, और किधर इंक्रीज कर रही होगी, तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही होगी। अब क्या हुआ देखो कि इस दो पार्टिकल के सिस्टम के केस में इन दोनों पार्टिकल का मैकेनिकल मोमेंटम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और ई क्रॉस बी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो जितना ये इधर इंक्रीज किया उतना ये इधर इंक्रीज किया, तो व्हाट इज द नेट मोमेंटम, मतलब ये वाला मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व हो गया, दैट मीन्स जितना इंक्रीज किया उधर ये उतना अपोजिट में इंक्रीज किया, नेट मोमेंटम कांस्टेंट बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, एक बार फिर मेरा माउस वर्किंग बंद, ओके तो ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास में डिस्टरबेंस तो हुई क्योंकि मैं तो माउस वर्क किया सही से नहीं, देखो माउस का भी वर्किंग इसमें गड़बड़ी चल रहा है, बस ठीक है, मैं कुल मिला के बताने की कोशिश कर रहा था आपसे कि कुछ ऐसा नहीं है इसमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड नहीं है, बट फंडामेंटल लॉ मोमेंटम कंजर्वेशन स्टिल वैलिड है। सेकेंड पॉइंट्स मैंने आपको अब एक थोड़ा समराइज कर दूं मैं आपको, द फर्स्ट ये कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड समटाइम्स, कहाँ वैलिड है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, मैग्नोस्टैटिक कंडीशन, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहाँ पे हर हाल में वैलिड है, लेकिन जहाँ चार्ज पार्टिकल मोशन में है वहाँ पे जरूरी नहीं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है, मे या मे नॉट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, दिस इज द फंडामेंटल लॉस, एकदम सही बात है। थर्ड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर देखो एक बार फिर माउस काम करना बंद कर दो, ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज स्टॉप्स, ठीक है, तुम बात समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, ओके थैंक यू, देखो अब तो ना माउस काम कर रहा है नहीं ये काम, ओके थैंक यू। हाउ कैन वी से, अच्छा हाउ कैन वी से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव द सेम डायरेक्शन, देखो ये भी ग्रिफिथ की ही लाइन है, ठीक है, कि चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, बट डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन वही रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स जब मूव करते हैं तो स्पेस में बहुत चीज़ें चेंज होती हैं लेकिन डायरेक्शन वही रहता है, तो मैं दिखाता हूँ एक लाइन ग्रिफिथ की ही लाइन है,